मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत कथाएं। एक कथा उनके भक्त पूरन चंद जोशी जी की है। पूरन चंद जोशी वन विभाग नैनीताल में सेवारत थे और बाबा के बहुत अच्छे भक्तों में उनकी गिनती थी, दर्शन करने जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो गुरुदेव के दर्शन करने गए। ये बात तब की है जब कैंची धाम नहीं बना हुआ था। भूमियाधर आश्रम में महाराज जी विराजमान थे, तो पूरन चंद जोशी जी 15 दिन तक लगातार आश्रम में बने रहे, बाकी व्यवस्थाओं को देखते रहे, काम धाम देखते रहे, जो चीज महाराज जी बताते थे वो काम करते थे वहां पर। और न तो वो अपने कार्यालय गए और न ही घर वालों में कोई खोज खबर हुई। अब 15 दिन बीत गए, चिंता होना स्वाभाविक है। घर से लोगों ने खोजबीन चालू की कि 15 दिन पहले पूरन चंद जी गए थे और अब कहाँ हैं, आश्रम में हैं या कहीं बाहर हैं। वन विभाग नैनीताल के कार्यालय में पता किया गया, पता चला कि 15 दिन से यहाँ पर भी नहीं आए। लोगों ने समझाया कि हो सकता है कहीं साधु तो नहीं बन गए। साधु बनने की जैसे ही अटकलें लगी, चर्चाएं हुई, पत्नी बेहद चिंतित हो गई, क्योंकि हमारे घर में जब कोई साधु आता है, संत आता है, उम्र चाहे कोई भी हो, हम लोग उनका आदर सत्कार करते हैं, नमन करते हैं। क्यों? संत बनते ही, साधु बनते ही वो नमन के, श्रद्धा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन अपने घर में कोई साधु हो तो बड़ी दिक्कत होती है। यही स्थिति अब पूरन चंद जोशी के घर में हो गई। उनकी पत्नी बहुत चिंतित, और अब वो अपने घर वालों से कहें या घर वालों से समझाएं क्या किया जाए, बहुत चिंता में थी। महाराज जी कहाँ बेखबर थे, उनको तो पल पल की खबर रहती है। पूरन चंद जोशी से कहा कि भाई तुम्हें सेवा करते हो बहुत दिन हो गए, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और महाराज जी पूरन चंद जोशी को लेके घर पे आ गए। उनकी पत्नी से कहा, तू सोच रही थी कि तेरा पतु साधु बन जाएगा, तू क्यों परेशान होती है? अगर वह साधु बन सकता तो हम तुझे आनंदमयी बना देते, सकून तो तेरे यहां रहता ही रहता। जिसकी खोज में साधु संत मारे फिरते हैं, उस सकून तो तुम्हारे घर में है। तेरा पति तो स्वभाव तो वैसे ही साधु है। ये कहते हुए पत्नी को उन्होंने समझाया। घर में जब पूरन चंद जोशी पहुंचे तो घर वालों ने यह जान लिया कि केवल सेवा में थे, साधु नहीं बने। क्योंकि साधु बनकर गृह त्याग हो जाता है, संत जनसेवा के लिए होता है, वो अपने घर की चिंता नहीं करता। और जब जनसेवा में कोई जीवन समर्पण होता है तो निश्चित रूप से वो वंदनीय हो जाता है। एक दूसरा पहलू इसका ये भी है, चाहे कितना ही वंदनीय हो, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा संत बन जाए, साधु बन जाए। ये एक समाज की कड़वी सच्चाई है। खैर, पूरन चंद जोशी अपने गृहस्थ आश्रम में थे और गृहस्थ आश्रम में ही रहे। ये सेवा काल का, एक तरह से यूं कहिए कि परीक्षा काल का समय था और
वो अपने गृहस्थ जीवन में पूरे समय रहे और पूरी तरह से बाबा को समर्पित भक्त रहे। ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय